परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण ओम सर्वधर्म स्थापकस्वम सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणाम् आचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। सो हम लोग एक महीने बाद मिल रहे हैं और श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में हम लोगों ने गुरुभाव पूर्वार्ध, गुरुभाव उत्तरार्ध और दिव्य भाव का श्रवण किया था और एक महीने की छुट्टी के बाद आज साधक भाव शुरू करना है। तो पुस्तक खोलिए, पहले खंड में आइए। दूसरा खंड समाप्त हो चुका है और पहले खंड में पहला जो बाल्य जीवन है उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले खंड में शुरू में जो बाल्य जीवन है उसको बाद में पढ़ेंगे। शुरू करेंगे हम साधक भाव से। तो साधक भाव का पृष्ठ खोलिए मेरी पुस्तक में 81-82 और 83 पर ग्रंथ परिचय। ये क्योंकि शारदानंद स्वामी जी का है, पढ़ना आवश्यक है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो ठीक है, तो श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव ग्रंथ परिचय। अब इसमें पहला शब्द हिंदी में दिया हुआ है ईश्वर कृपा से, पर मूल बंगला के अनुसार ईश्वर इच्छा से। देखो कृपा सार्वजन समझे कहेंगे तब हम भी पढ़ेंगे, पर क्योंकि ईश्वर इच्छा से फर्क थोड़ा सा समझा दूं, कि जो कुछ भी कार्य दुनिया में हो रहे हैं, शायद सरदन समझे कर रहे हैं, शायद मैं तुम आप लोग कर रहे हैं, पर दुनिया में जहां जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो केवल ईश्वर इच्छा से होता है। ये महत्व की बात यहाँ पर भूलना नहीं हमको। इसलिए पहला शब्द ईश्वर इच्छा से बांग्ला के अनुसार, ठीक है। जो कुछ भी कार्य दुनिया में हो रहे हैं वो ईश्वर इच्छा से हो रहे हैं, ये भाव भूले नहीं चलेगा। तो ईश्वर इच्छा से श्री राम कृष्ण देव के अलौकिक साधक भाव। यानी साधना तो हम सब लोग करते हैं, साधना करते हैं, लौकिक हमारे पास जो साधन होते हैं उसके अनुसार हम साधना करते हैं, पर ये भगवान की लीलाएं हैं। लीला प्रसंग में साधक भाव सुन लीजिए। सबसे पहले तो हमें वहां से शुरू करना आवश्यक था जो अब करते हैं हम। ये भाव क्या है? भाव बंगाली में बहुत व्यापक शब्द है।
जो सूक्ष्म होता है वो सब भाव, मन का भाव, कवि का भाव नहीं। श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग, फिर से वहां से शुरू करना पड़ेगा। हमने देखा था कि जो परब्रह्म परमात्मा है निर्गुण सगुण, वो युग युग में साधकों की आवश्यकता के अनुसार लीला करते हैं, और इस युग में उन्होंने जिस रूप में साधना की वो रूप है श्री राम कृष्ण। तो इस युग में उन्होंने श्री राम कृष्ण युग में साधना की है। अब ये जो साधना की है किसने की है? निर्गुण सगुण ब्रह्म ने। यदि क्या होता है, ईश्वर जब मानव रूप में प्रकट होता है तो वो भाव नहीं है कि जिनकी सहायता से हम साधना करके भगवान के पास जाते, वो एक भाव अलग होता है। ये भाव होता है कि ईश्वर जब मनुष्य रूप लेके प्रकट होता है उस युग की आवश्यकता के अनुसार, तो वो क्या उसका पहलू होता है, एस्पेक्ट होता है, इसको भाव कहा जाता है। ईश्वर जब प्रकट होंगे तो अपने आप ही वो जगत गुरु होंगे, आदर्श गुरु होंगे, सब साधकों के गुरु होंगे, ये हम लोग देख चुके हैं। ईश्वर जब मनुष्य रूप में होंगे तो हमारे इष्ट बन जाएंगे, ये हमने दिव्य भाव में देख लिया है। पर सवाल आता है कि साधना चीज क्या है? समझाएंगे सरदन स्वामी जी। पर साधना यानी सरदन स्वामी जी ये बताएंगे कि हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं, नई कोई चीज पानी नहीं है, जो हमारा स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष हमारे बोध में मन में प्रकट करने, हमारे जीवन में पूरे जीवन में प्रकट करना है कि हम ईश्वर हैं। ये जो प्रयास होता है इसका नाम है साधना। अब हम ब्रह्म है ये हम शास्त्रों से सीखते हैं, महापुरुषों की जीवनी से सीखते हैं, परंतु ये हमारा बोध है, बनाते नहीं हम कुछ नया, इसलिए वो हमें प्रकट होता ही है। मन के क्रम विकास के अनुसार एक चीज आती है, उसका नाम जागृति। कह रहे ये मैं क्या जंगल में भटक रहा हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप दिव्य है। ऐसे एक धारणा, विश्वास, श्रद्धा हमें अपने आप ही कहो तो आ जाती है मन के क्रम विकास के अनुसार, वहां से हमारी साधना शुरू होती है। अब ये है ईश्वर, तो इनके मन में धारणा क्या आएगी? अरे मैं तो प्रत्यक्ष ईश्वर हूं, मैं तो सगुण निर्गुण ईश्वर हूं, मेरा स्वरूप तो दिव्य है। ये बचपन से उनके जीवन में बीच बीच में आई जाएगी, बीच बीच में, क्योंकि जब तक शरीर और मन उसको अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हुआ है तब तक पूर्ण रूप से कैसे प्रकट होगी। इसलिए बताएंगे कि साधक भाव श्री राम कृष्ण जीवन में तब शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि लौकिक विद्या मुझे नहीं चाहिए, दाल रोटी कमाने वाली, चावल केला चावल कमाने वाली विद्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे वह विद्या चाहिए जिससे कि मनुष्य जीवन पूर्ण हो सके, दिव्य हो सके, कृतार्थ हो सके। ये साधक भाव की शुरुआत मानी गई है। अब श्री राम कृष्णदेव के जीवन में बार 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 आता था, अरे शिवरात्रि के दिनों में तुम शिव हो गया था,
वहां गया था तो विशालक्षी देवी मेरे में आ गई थी। तो जब देखो तब मेरे अंदर दिव्यत्व मुझे दिखता है, खाली विश्वास श्रद्धा का सवाल नहीं है, ये अलौकिक बात है। और ये अलौकिक बात जब बार बार मन में आने लगी तब क्या भाव हो गया, अरे इसको मैं पूर्ण तरह से प्रकट कैसे करूं, इसके ऊपर मेरा वश कैसे हो जाए, जब इच्छा हो तब ये आ जाए, ये है साधक भाव की शुरुआत। तो साधक भाव माने प्रत्यक्ष सगुण निर्गुण ब्रह्म जब मनुष्य रूप में आते हैं, उन्हें अपने भीतर का दिव्यत्व शरीर मन के विकास के साथ अनुभव में आ जाता है और उसको अपनाने की इच्छा हो जाती है, तो उस इच्छा से जो भी कुछ वो करते हैं उसको प्रकट करने के लिए वो साधक भाव है उनका, इसलिए इसका नाम साधक भाव है। ईश्वर मनुष्य रूप में तो हमारे लिए आदर्श बन गया ना, हमारे में विश्वास श्रद्धा होगी तब हम साधना करेंगे, उनमें प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है तब वो साधना करेंगे, तो हमारे लिए वो आदर्श हो गया। एक आदर्श हमने स्वामी विवेकानंद में देखा था दिव्य भाव में, कि मनुष्य जब साधना करता है भूल करता है, गिरता है पड़ता है उठता है, गुरु की सहायता से उठता है, श्री राम कृष्ण देव के दिव्य भाव के साथ, और वो पूर्ण स्वाधीनता देते थे, गिरो पड़ो उठो और मेरा अनुसरण करो, अपने पूर्ण स्वातंत्र के साथ मेरा अनुसरण करो, ये लेसन हमें इस साधक भाव में मिलेगा प्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, अब देखिए अबे छोटी सी बात, श्री राम कृष्ण नाम क्यों, क्योंकि श्री राम कृष्ण का आदर्श जीवन श्री कृष्ण के गीता के आदर्श उपदेश ये दोनों श्री राम कृष्ण देव में दिखाई पड़े, इसलिए हमने परब्रह्म ने अपना नाम कर लिया श्री राम कृष्ण। और राम और कृष्ण ये दो अवतार हुए जिनका भारत में और भारत के मार्फत पूरी दुनिया में मनुष्य जाति पर प्रभाव सबसे अधिक है, इसलिए श्री राम कृष्ण इस लीला के प्रसंग माने एपिसोड, इस लीला माने जो वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप का मनुष्य रूप में मनुष्य के शरीर मन में प्रकटीकरण है, इसका नाम है लीला। स्वरूप में ब्रह्म, दिखने में मनुष्य, ये देव माना ये लीला, इनके जो अलग अलग एपिसोड अलग अलग प्रसंग हुए उसका संग्रह है श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग। मैं श्री राम कृष्ण देव की जीवनी लिखूंगा ऐसा संकल्प सरदन स्वामी जी में तब नहीं था, ये सारे होते 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 ये साधक भाव लिखते लिखते उनमें ये आ गया था। ठीक है, ये प्रस्तावना हुई। अब इसमें विशेष जो बात है हमने देखा अलौकिक है ये, अब अलौकिक साधक भाव का समालोचन पूर्ण हुआ, प्रस्तावना पुस्तक के अंत में लिखी जाती है और शुरू में जोड़ दी जाती है, जिससे हमें पता चले विषय वस्तु उस पुस्तक की क्या है। पुस्तक की विषय वस्तु अपूर्वता, इन चीजों को नवीन क्या है, इन चीजों को बताने के लिए प्रस्तावना होती है। इसमें उनके अदृष्ट पूर्व साधना अनुराग, ऐसा साधना का अनुराग प्यार और दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, ऐसा साधना का प्यार आज तक दुनिया ने नहीं देखा है, नहीं देखा है, कहीं नहीं देखा है। ऐसा नहीं करे सरदन स्वामी जी या विवेकानंद स्वामी जी कि बाद में कभी नहीं दिखाई देगा, तब वो मन की संकुचितता हो जाती है।
पर आज तक नहीं देखा है, ये फैक्ट है, तथ्य है, इसलिए अदृष्ट पूर्वक इसके पहले कभी ना देखा हुआ साधना का अनुराग, प्यार, प्यार के बिना साधना नहीं होती, ये भी चीज इसमें आ गई। साधना माने कुछ तो भी करना नहीं होता, भगवान के प्रति अनुराग और जिन साधनों से वह प्राप्त होगी उनके प्रति भी प्रेम, ये प्रेम ही साधना का मुख्य फोर्स, जोर है, शक्ति है, ठीक है। तथा साधन तत्व, यानी साधना क्या चीज है, ये जितने शास्त्र है, जितने शास्त्र हैं सबका निचोड़ निकाल करके सारदान स्वामी जी ने इस ग्रंथ में प्रकट कर दिया है। हमें सारे शास्त्र का सार साधना के बारे में इस पुस्तक में मिल जाएगा, ये भी चीज बता रहे यहां पर अलौकिक में। साधन तत्व का केवल दार्शनिक आलोचन ही नहीं किया गया है। अब ये पढ़ने पर तो गुरुवार के प्रस्तावना की याद आ जाएगी, वहां पर कहा था खाली घटना ही नहीं सुनाई है, भीतर का भाव भी समझाया है। यहां कह रहे केवल दार्शनिक आलोचन ही नहीं किया गया है, अपितु 17 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु तक की उनके जीवन की प्रधान प्रधान घटनाओं का समय निर्धारित कर उनका धारावाहिक वर्णन करने का प्रयत्न किया गया। इसमें क्या विशेषता है, वहां कह रहे कि केवल वर्णन नहीं मन का भाव भी है, और यहां कह रहे केवल दार्शनिक तत्व की आलोचना नहीं प्रत्यक्ष जीवन की घटना है। क्या विशेषता इसमें बताए ना, अलौकिक है, यानी अंग्रेजी में कहते हैं फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इन जीवन की घटनाओं को पढ़ने पर हमें लगता है ये भी संभव है क्या, ऐसा किसी ने किया है क्या, ये क्यों ऐसा किया है, ये क्या नवीनता है। एक साधक ने मुझसे कहा था लीला प्रसंग पढ़ने शुरू करते मैं कि रुपए मट्टी मट्टी रुपए इसकी क्या जरूरत थी, और खुद स्त्री बन गए थे इसके क्या जरूरत थी। मैंने कहा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया कि ये खाली अद्भुत नहीं है, ये उदाहरण है, ये अत्यंत आवश्यक चीज का निदर्शन है। हमारे जीवन में हम कोई तत्व हाँ मान लिया, स्वीकार कर लिया, इसको श्री राम कृष्ण देव मानना है स्वीकारना नहीं कहते। अगर वो पूरा हमारे मन में आ जाता है तो शारीरिक दृष्टिया भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो इसलिए ये अद्भुत नहीं, ये अदृष्ट पूर्व है। और ऐसी घटनाएं सुनकर के जो लगता है अरे आदमी ने क्या था क्या, ये हुआ था क्या, ये हाँ हुआ था, हुआ था। ये घटना मैंने मनोरंजक सुनी हमारे ब्रह्मचारियों से, कलकत्ते में एक कोई वकील थे, अब वो रिटायर होने जा रहे, जज थे रिटायर होने जा रहे, तो उनके मित्रों ने कहा कि हमको पार्टी देंगे, प्रेजेंट देंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो देना चाहो देओ, पर मैंने पुस्तक के पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, तुम लोग बढ़िया से बढ़िया पुस्तक मुझे गिफ्ट के रूप में दो तो बड़ा भला होगा। तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने
कंप्यूटर दिए, किसी ने क्या दिया, किसी ने लीला प्रसंग उनको पकड़ा दिया। जब लीला प्रसंग पढ़ लिया तो उन्होंने कहा असंभव असंभव, यानी दोबारा का ऐसा मनुष्य हर मास का सोचा इस दुनिया में आ गया, अभी अभी आया था, असंभव लगता है ये, पर है। और उसकी जीवनी उसी के किसी शिष्य ने दिमाग ठंडा रह करके ऐसा विश्लेषण किया, सर्जन जैसा, ये भी असंभव लगता है। इसलिए ये पुस्तक देने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। यानी ये लीला प्रसंग है, ऐसे अदृष्ट पूर्व भगवान की खुद साधना हमारे जीवन में जिसका अति महत्व है। सर्जन स्वामी जी सर्जन बनने जा रहे थे, पर सर्जन तो नहीं बने, मनुष्य स्वभाव का विश्लेषण काट काट करके शांत दिमाग से हमारे सामने रख रहे हैं, जिससे हम कुछ तो अनुसरण कर सकेंगे। ये सारी बातें इस छोटे से ग्रंथ परिचय में बता रहे हैं। इसलिए घटनाओं का समय निर्धारित किया, इससे सुने, उससे सुने, ठाकुर से सुने, ये पहले कब हुई, उसके बाद कौन सी हुई, ये भी निर्धारण करके धारावाहिक वर्णन करने का प्रयास किया गया है। प्रयास क्योंकि अदृष्ट पूर्व अलौकिक देव मानव के कहां तक लिख सकेंगे, इसलिए प्रयास। और ये भी जवाब सरदान स्वामी जी ने दे दिया है कि हमसे कोई बढ़िया होगा तो और करे, हम ऋषि हैं और हमें जितना समझ में आया है हम कर रहे हैं। अतः इस साधक भाव को श्री राम कृष्णदेव के साधक जीवन का तथा स्वामी विवेकानंद प्रमुख उनके शिष्य वर्ग का उनके श्री चरणों के समीप उपस्थित होने के पूर्व तक का इतिहास कहा जा सकता है। इसके लिए शुरू नहीं किया था, पर जब साधक भाव लिख लिया तो देखा कि ये तो जीवन का इतिहास बन गया, इसलिए कहा जा सकता है। और इस इतिहास या चरित्र के बारे में गुरु बाप गुरुअर्ध में जो उन्होंने ग्रंथ में कहा था उसके बारे में रोमा रोला ने कह दिया था कि यही सब जीवनीकार इतिहासकारों के लिए आदर्श है, वही यहां पर इतिहास बन गया है। वर्तमान ग्रंथ को लिखते समय श्री राम कृष्णदेव के जीवन की समस्त घटनाओं का समय निरूपण करने में कहां तक सफल हो सकेंगे, इस विषय में हमें विशेष संदेह था, क्योंकि श्री राम कृष्ण ने बताया था मैंने वो साधना की तो वैसा है वो, पर कौन सी साधना कब की, पहले कौन सी की, बाद में कौन सी थी, ये संदेह था। यद्यपि श्री राम कृष्णदेव ने अपने साधक जीवन संबंधी बातें हम में से अनेक व्यक्तियों के समीप स्वयं व्यक्त की थी, ये भी एक महत्व की चीज है। अवतारों के जीवन में हम पाते ही नहीं है साधना, पर श्री राम कृष्णदेव ने खुद बताई है, क्योंकि इस युग में हम साधना परांगमुख हो गए हैं, साधना के प्रति हम आकृष्ट हो, प्यार हो, इसलिए, और साधना के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए श्री राम कृष्णदेव ने खुद अपने जीवन की अलौकिक साधनाएं भी हमारे सामने प्रकट की है। फिर भी उन घटनाओं का समय निरूपण कर उन्होंने किसी से कोई क्रमबद्ध वर्णन नहीं किया था, उनको इसकी जरूरत नहीं थी, अमुक साधना में ये किया, अमुक में वो किया, पर कब कौन सी किया ये नहीं बताया था।
और प्राइमरी सोर्स तो वही है, किंतु अनुसंधान के फलस्वरूप। स्वामी सरदन जी ने अनुसंधान किया, कई लोगों से पूछा, और तब समाधि के द्वारा उसको देख करके पता लगा लिया कब क्या किया था। उनकी कृपा से अब देखो, कृपा लिया है ना, ये महती कृपा है ना कि हम कर पाए। देखो फर्क देख लो, पहले ईश्वर कृपा कह देते हैं तो ग्रंथ लिखना उनकी कृपा से हो गया, नहीं, ईश्वर इच्छा से सारी बातें होती है। इसको पता लगा लेने के लिए पहले ईश्वर इच्छा, और ये असंभव सी चीज हमारे द्वारा हो गई, ये तो विशेष कृपा हुई ना। दो पैसे मिल गए, शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, हे ईश्वर तेरी को, ये कृपा नहीं होती। ईश्वर कृपा वही होती है कि योग्य साधन हमसे करवा ले और उसके द्वारा स्वरूप प्रकट हो जाए। तो यहाँ पर सारदान स्वामी जी की यह कोशिश कि हम लोगों के जीवन में ग्रहण हो जाए, इसलिए ये तो भगवान की कृपा से ही हुआ, मनुष्य के प्रयत्न से नहीं हुआ, ये उनका कहना है। उनके भक्तों के लिए दुर्बोध्य तथा जटिल सी रही, ठीक है, तो कब रही, क्या रहा, किंतु अनुसंधान के फलस्वरूप उनके कृपा से। अब हम उस समय की अनेक घटनाओं का यथार्थ समय निरूपण करने में समर्थ हुए, कुछ घटनाएं रह जाएंगी। श्री राम कृष्णदेव के जन्म संघ के संबंध में अब तक संदेह बना जा रहा था, चला आ रहा था। क्योंकि उन्होंने स्वयं हमसे यह कहा था कि उनकी असली जन्म पत्री खो गई है, तथा बाद में जो जन्म पत्री बनाई गई वह भ्रमपूर्ण है। 100 वर्ष से भी अधिक काल के पंचांगों को देखकर अब हम उस विरोध की मीमांसा कर पाए, ये उनका अनुसंधान 100 साल से देख ली, एवं उसी के आधार पर उनके जीवन की घटनाओं का समय निरूपण करना हमारे लिए सहज साध्य हुआ है। श्री राम कृष्ण देव की और एक बात, क्या नया चीज है, वो भी विषय वस्तु के रूप में बताना आवश्यक। षोडशी पूजा बहुत महत्व की बात, अब तक लीला प्रसंग के पहले पता ही नहीं थी लोगों को, तो इसलिए षोडशी पूजा माने षोडशोपचार पूजा नहीं, परम आराध्या परम पूज्या सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देवी, जो कि उनकी धर्म पत्नी लीला सधर्मचारिणी थी। वो जब 18-19 साल की थी तब देवी के, जगन माता के जितने रूप हैं उनमें षोडशी, 16 साल की लड़की, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से थोड़ी बड़ी ललिता, उसी का नाम राजा राजेश्वरी, सबसे सुंदर, ये जो सबसे दिव्य रूप है, उस रूप में भगवती की पूजा श्री राम कृष्ण देव ने की थी। उस संबंधी यथार्थ घटना अब तक किसी को विदित नहीं थी, कुछ इधर उधर सुना होगा। इस ग्रंथ को पढ़ने से पाठकों को उस घटना के बारे में भी सहज ही ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। श्री राम कृष्ण देव के शुभाशीर्वाद से, तीसरी बात लाए, इच्छा से, कृपा से, आशीर्वाद से।
इस ग्रंथ द्वारा लोक कल्याण साधित हो, ये इच्छा, ये पर्पज। देखो जो अनुबंध चतुष्टय कहलाता है वो सारा इसमें आ गया। क्यों किया? साधन समझ का इसमें कोई स्वार्थ नहीं। कोई कहते अवतार सिद्ध करने के लिए, अरे उनको क्या पड़ी थी? इसलिए लोक कल्याण साधन ये श्री राम कृष्ण देव के जीवन का व्रत है, और उसी को आगे चलाते हुए उनका ये देव मानव रूप इस लीला प्रसंग द्वारा ये सारी मानव जाति के लिए कई सौ वर्षों तक के लिए हमारे सामने आ गया। एक छोटी बात हुई। तो लिखने का हेतु जन कल्याण, अवतार जीवन का हेतु जन कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण साधित हो, ये उनके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है विनीत ग्रंथ का। ठीक है, चलिए शुरू कर दें अब। ठीक है, अब इसमें पहला अध्याय एकदम नहीं कहा, क्योंकि बहुत सी बातें समझने में हमारी आ सके, इसलिए कुछ बातें शुरू में कहना आवश्यक है। उसको अवतरणिका, अवतरणिका यानी मूल ग्रंथ में जो विवेचन है उसको ग्रहण करने के लिए हमारी पात्रता, ये उस अवतरणिका में सर्दन संज्ञा में समझाएंगे। तो और इस अवतरणिका का प्रथम अध्याय नाम, ऐसा अवतरणिका उसका नाम, साधक भाव के समालोचन की आवश्यकता। ये सवाल आता ना, अरे अवतार की बात बता रहे, साधना की बात क्यों बता रहे? बस वो दिव्य है, भव्य है, हम उसकी भक्ति करेंगे, जैसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कर दिया। वाल्मीकि जी ने ऐसा नहीं किया है। वाल्मीकि जी ने राम का चरित्र बताया, वही मॉडल समझ लो हमारे सामने, राम का आदर्श जीवन। यहाँ पर ठाकुर की आदर्श साधना, साधारण वर्णन नहीं मिलता, जरूरत ही नहीं महसूस होती। इसको सारदान स्वामी जी पहले हमें हृदयंगम करा रहे हैं। ये तो पढ़ते में ही दिव्य प्रेरणा लाता है। अब समझाएंगे, आचार्यों का साधक भाव लिपिबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता है। आचार्यों का साधक भाव लिपिबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता है, लिखित रूप से उपलब्ध, लिपिबद्ध होने लिखित रूप से उपलब्ध होता ही नहीं। वर्णन क्या होगा, उन्होंने उसको किसी न किसी को उपलब्ध नहीं होता, हमको प्रिंटेड रूप में, नहीं तो हमें प्रश्न आएगा कैसे? संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता चलता है, इतिहास, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि लोक गुरु बुद्ध, बुद्ध दुनिया के गुरु है, तथा श्री चैतन्य देव को छोड़कर अन्य अन्य अवतार पुरुषों के जीवन में साधक भाव का विवरण विस्तृत रूप से लिपिबद्ध नहीं है। जिस तीव्र अनुराग, क्या क्या सीखनी है साधक भाव में? अब ये वाक्य पढ़ने में मुझे गुरु जी के क्लास की बात याद आई, बस इतना ही एक क्लास हुआ था, इतना ही चार लाइन, एक वाक्य,
जिस तीव्र अनुराग तथा उत्साह को लेकर मंगली में बीच में अनुक्रमणिका है और बाद में शुरू होता है इसमें उद्दाम अनुराग। उद्दाम अनुराग, अब ये उद्दाम शब्द समझने लायक है। तीव्र से नहीं हुआ, तीव्र से नहीं हुआ। उद्दाम माने क्या? दाम माने रस्सी, दाम माने रस्सी। अब किसी को सीमा में रखने के लिए हम रस्सी बांध देते हैं, अगर उसका जोर बहुत हुआ तो रस्सी काट के बाहर निकल आता है, इसको कहते हैं उद्दाम। तो जो बंधन में सीमा में रहने को तैयार नहीं, ऐसा अनुराग। पहली बात, साधक भाव में क्या सीखना है, अवतारों के जीवन में क्या देखना है, साधना के रूप में, उसमें सबसे पहली बात उनका जो प्यार भगवान के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, साधना के प्रति उनका जो प्यार, वो बंधनों में सीमित रहने वाला नहीं था। उसको देख करके हमारे जीवन में कुछ तो जग जाएगा ना, इसलिए ये शब्द महत्व का है। इसको हम खाली तीव्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? असीम, असीम कह सकते हैं। हाँ ठीक है, सीमा में रहने को तैयार नहीं, ऐसा असीम अनुराग तथा उत्साह। उत्साह क्या होता है? अरे साधना में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। ये लगे रहना एक यांत्रिक रूप में या जैसे तैसे भी होता है, और रोज उसमें आनंद भी होता है, करेंगे और करेंगे और करेंगे, इसको उत्साह कहते। उत्साह माने आनंद पूर्वक नई पुरानी चीज को फिर से ग्रहण करना, ये उत्साह। झील कहते हैं अंग्रेजी में, झील। छोड़ो उसको। तो उद्दाम अनुराग और उत्साह हृदय में पोषण करके, इसमें खाली के को लेकर, को लेकर बंगाली जैसा बनाओ ना, जिस ससीम असीम अनुराग तथा उत्साह को हृदय में पोषण करके, हृदय में धारण करके वे अपने जीवन में सत्य की उपलब्धि के लिए अग्रसर हुए। उनको भगवान ईश्वर राम कृष्ण ये नहीं है, दुनिया का अंतिम सत्य, सनातन सत्य, चिरकालीन सत्य, न बदलने वाला सत्य, उसको जानने के लिए प्रवृत्त होना, ये साधना है। तो इसलिए इन इन तीन चार शब्दों में हमने जो सीखा उसको याद रखो। असीम प्यार, उत्साह हृदय में पोषण करके, सत्य परम सत्य की उपलब्धि के लिए अग्रसर हुए अवतार पुरुष।
तभी तो दुनिया के सामने नए नए सत्य आए, सत्य नए नए रूपों में आया। अब ऐसा करते में क्या होगा, ऐसा करते में रास्ते में क्या होगा, आशा निराशा है। आशा कुछ जब नई चीज दिखने लगी तो आशा उत्पन्न हुई, वो मिल जाएगी, इसको आशा कहेंगे। और साधना की पर वो नहीं मिली, निराश हो गए, पता नहीं मिलेगी कि नहीं, ये भी साधक के जीवन में चलता रहेगा। ये अवतार के जीवन से हमको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बैठे कि उनको मिल गया, नहीं, हमारे जैसा आदर्श, संघर्ष का आदर्श रूप। इसलिए ख्याल रखो क्या क्या मिलता है हमको अवतार के जीवन में, आशा निराशा भय विस्मय। अब ये भय कैसा है, अरे कभी अनुभव नहीं की थी ऐसी चीज सामने आ जाती, हाँ कहते इंग्लिश, यानी अत्यधिक श्रेष्ठत्व के भाव से उत्पन्न होने वाला भय जैसा एक भाव। इसमें पर आनंद भी तो है इसमें, अरे क्या वंडरफुल, क्या वंडरफुल, ऐसा भी होता है मन में जब आध्यात्मिक कोई नया अनुभव होता है तो वो आश्चर्यकारक ही होता है। उसमें से भी जाना पड़ता है, रुकना नहीं, ओ ये चीज मिल गई अब मैं दुनिया में महात्मा बन जाऊंगा, वो आदमी नहीं। आनंद व्याकुलता, अनुभव में तो भगवान के स्वरूप में मुख्य बात है आनंद, सच्चिदानंद घन विग्रह है ना, तो इसलिए आनंद अलौकिक आएगा बढ़ेगा, उसमें रममाण नहीं होना है, और चांद मिल गया ऐसा नहीं, आनंद आएगा ही आएगा ही, और आगे बढ़ो। और व्याकुलता ये एक वंडरफुल चीज है, जितने किसी वस्तु के निकट जाओगे उतना दूर लगेगा, और अभी नहीं आया अभी नहीं आया, और ऐसे व्याकुलता हो जाएगी, कब पाऊंगा कब पाऊंगा कब पाऊंगा। इतनी चीजें मनुष्य की साधना में होती है, जो अवतार का अगर चरित्र उपलब्ध होता तो हमें आशा निराशा और भय विस्मय आनंद व्याकुलता की तरंग में प्रवाहित हो रहे थे। मन ऐसा हो जाता है ऊपर नीचे नीचे ऊपर, साधक जीवन में एक करंट स्वस्थ ऐसा नहीं चलता, प्रवाहित हो वे कभी। अब इन सब का परिणाम उल्लसित हुई, उत्साह हुई, उल्लास तथा कभी विषादग्रस्त हुए थे, डिप्रेशन जैसा आयराम हुई नहीं रहा अभी तक। देखो मूल अनुराग उत्साह, तरंगे इतनी, तरंगों का फल ये, आनंद व्याकुलता, उल्लसित तथा विषादग्रस्त हुए, किंतु ये सब चल रहा है मन में, किंतु अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर निरंतर दृष्टि को निबद्ध रखने में वे कभी विस्मृत नहीं थे। ये सबसे मत, एम क्या, कहाँ जाना है मुझे, वो नहीं भूले तो। इतनी तरंगों में से जा रहे, इतना मन में व्याकुलता उत्पन्न हो रही है, पर कभी भी लक्ष्य ओझल नहीं हुआ, सत्य तक पहुंचना ही।
हे साधक, हे साधनंद स्वामी जी, साधक के जीवन में क्या होता है इन चार लाइनों में लिख दिया है। और ये अवतार के जीवन में हमको अति अद्भुत रूप में मिलता, पर या तो मिलता ही नहीं, या चैतन्य महाप्रभु या भगवान बुद्ध के जीवन में रूपक कैसे ऐसे वैसे रूप में आया, लिपिबद्ध रूप में विस्तृत में नहीं आया। ये अफसोस प्रकट कर रहे सरदन स्वामी जी, क्योंकि हमारे जीवन में इन सब की नितांत आवश्यकता है। उन विषयों का विशद आलोचन उनके जीवन इतिहास में नहीं मिलता, उनके माने सारे अवतारों के। अथवा अब इसको दूसरे रूप में लो, अरे ऐसा जीवन चल रहा था, ऐसा हो गया, कोई कनेक्शन नहीं बीच में, मानसिक कनेक्शन नहीं, स्ट्रगल नहीं, संघर्ष नहीं, ये बड़ा करता है, अलौकिक हो जाता है, फिर से वो अवतार, अरे वो अवतार हम क्या करेंगे। ऐसा अवतार होकर के अगर आए, मानव होकर के आए, तो हमारे लिए उनके जीवन में आदर्श संघर्ष हुआ है, वो भी होना चाहिए था, इसलिए दूसरे रूप में कह रहे हैं। अथवा उनके जीवन के अंतिम भाग में अनुष्ठित विचित्र कार्यावलियों के साथ विचित्र कार्यावली है ना, वो अद्भुत अद्भुत सब, उनकी बाल्यकालीन शिक्षा, उद्यम तथा कार्य, बाल्यकालीन शिक्षा उद्यम तथा कार्यों का कोई स्वाभाविक पूर्वापर कार्य कारण संबंध दिखाई नहीं दे, स्वाभाविक पूर्व पर कार्य कारण, कली जैसे अपने आप फूल हो जाती है, स्ट्रगल होता है बीच में, कली का फूल बनना और सीधा रसोई बनना, ये भी एक प्रक्रिया है ना, ये पता नहीं चलता। दृष्टांत स्वरूप कहा जा सकता है कि वृंदावन के गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण बस गोपियों के साथ नाच रहे, धर्म संस्थापक द्वारकानाथ श्री कृष्ण के रूप में कैसे परिणत हुए, बस यहां से कूद के ऐसे बन गए, जीवन में संघर्ष हुआ। संदीपनी के घर में गए थे बस इतना हमको पता चला, नहीं, संघर्ष किया है, यह स्पष्ट रूप से जानने का कोई साधन नहीं है। ईसा के बारे में तो और भी अद्भुत है भैया, ईसा के महान तथा उदार जीवन में उनकी 30 वर्ष की आयु से 33 साल में चले गए, 30 साल में लोगों के सामने प्रकट हुए, 3 साल में जो करना कर लिया, अरे 12 साल के थे तब से 30 साल तक क्या पता ही नहीं चलता। कोई कहते भारत में आए थे, हठ योग मिसेस जी कहते कश्मीर में रहते, तिब्बत, पता नहीं चलता। पूर्व काल की घटनाओं में केवल दो एक का ही पता चलता है, हाँ कोई कहते भारत में आया था, जॉन दी बैप्टिस्ट से मिले थे, आचार्य शंकर का केवल दिग्विजय वृत्तांत ही विस्तृत रूप से लिपिबद्ध है, अरे गुरु ने क्या सिखाया, क्या साधना की उन्होंने, अन्यत्र सर्वत्र भी ठीक है सही। ये पहले तथ्य निर्देशन किया कि अवतार के जीवन में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, वे कभी असंपूर्ण थे, यह बात
भक्त के भावना के विरुद्ध है। कारण बता रहे, भक्त की भावना होती वो पूर्ण ही थे, ईश्वर थे, ईश्वर थे, ईश्वर थे। अरे भाई मानव रूप में जब आए थे तो संघर्ष किया ही है। ये भक्त का एक भाव होता है, मेरे तो ईश्वर। कहां तक, कहां तक ये बात चली जाती है आपको पता है? तुलसीदास जी की बात कर रहा हूं मैं। सीता को रावण स्पर्श कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है ना, के ही नहीं कभी। लक्ष्मण जी दिन रात राम के साथ, सीता के साथ घूम रहे, पर लक्ष्मण जी को पता नहीं राम ने सीता को अग्नि को समर्पित कर दिया। माने क्या किया, जला दिया, पता नहीं, अग्नि देवता को दे दी। और अग्नि देवता ने उसके बदले में एक माया सीता उनको दे दी। माया सीता माने क्या, मत पूछो, मत पूछो, सीता नहीं है वो। और उस माया सीता के लिए ऐसे रोए, ऐसे रोए, ऐसे रोए, ढोंग लोगों के सामने देखा ना, नहीं, सीता को रावण स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा स्वांग रचा है। और जब अग्नि परीक्षा की बात आई तब वो माया सीता अग्नि को लौटा दी। वो सीता तो परीक्षा और अग्नि ने असली सीता वापिस कर, इस सब का क्या अर्थ है आप हम नहीं समझ सकते, पर रावण ने सीता को स्पर्श किया अवॉइड करने के लिए, छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए ऐसा ही, ऐसा वर्णन मिलता है, यहां से कूदे वहां पहुंच गए। क्यों, असंपूर्ण नहीं बताना, बस इसके कारण का पता लगाना कठिन है। कठिन शब्द जब भी आया है लीला प्रसंग में या शास्त्रों में, तो कोई गणित की पहेली नहीं है ये कठिन। कठिन माने हमारे अंदर में डूबा हुआ, मनोवैज्ञानिक रूप में बहुत गहराई वाला, इसको कठिन कहते हैं। हमने गुरुवा में भी देख लिया था, ये भक्तों की भक्ति की प्रबलता से ही संभवतः इन विषयों को लिपिबद्ध नहीं किया गया है। संभवतः भक्ति की प्रबलता, अरे ये भक्ति की प्रबलता नहीं होती, अतिशय, ठीक है, अतिशय यानी ठीक है, बड़ी चढ़ी हुई भक्ति। मानव की असंपूर्णता को देव चरित्र में आरोपित करने में संकुचित होकर ही उनकी तरफ से कह रहे, इसलिए आरोपित कह रहे, संकुचित होकर ही संभवतः उन लोगों ने इन विषयों को लोक चक्षु से लोक चक्षु के अगोचर रखना, मैंने लोगों को दिखाई न पड़े, अगोचर, लोक चक्षु से लोग नए नए अंतरा ले रखा। या यह भी हो सकता है कि महापुरुषों के चरित्र के सर्वांग सुंदर महान भाव समूह सर्वसाधारण के समक्ष एक उच्च आदर्श का रूप धारण कर
उनके लिए जिस प्रकार कल्याण कर सकते हैं उस प्रकार का कोई लाभ उन भावों को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने जो अलौकिक प्रयास किया है उसके वर्णन में नहीं होगा। या तो ये काम का नहीं या उतना काम का नहीं, यह सोचकर ही उन विवरणों को लिपिबद्ध करना उन्होंने अनावश्यक समझा। ये उनकी भूमिका बता दी। आप बताएंगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। भक्त सदा अपने प्रभु को पूर्ण देखना चाहते हैं। अभी विश्लेषण उन्हीं की बातों का कर रहे हैं। मानव शरीर धारण करने के कारण उनमें कभी किंचिन मात्र भी मानव की तरह दुर्बलता, दृष्टि तथा शक्तिहीनता, दृष्टिहीनता शक्तिहीनता विद्यमान थी, इस बात को वे मानना नहीं चाहते। बाल गोपाल के मुख विवर में विश्व ब्रह्मांड को वे सदा प्रतिष्ठित देखने का प्रयत्न करते हैं। मिट्टी खाई थी भूल जाते हैं। मिट्टी तो खाई थी ना, बच्चे थे ना, वो भूल जाते हैं। उनको विश्व ब्रह्मांड यशोदा को दिखाना है इसलिए मिट्टी खाने का स्वांग किया, ऐसा कह देते हैं। एवं बालक की असंबद्ध चेष्टाओं में न केवल परिपक्व बुद्धि, ठीक है इसको कल पढ़ लेंगे, इस पैराग्राफ को दोबारा कल पढ़ लेंगे। आज मैंने बर्बाद शुरू करने के लिए विलंब हो गया था, थोड़ा माफ कीजिए। ओम सर्वधर्म स्थापकस्त्वं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरामकृष्ण मंगलकारी, श्रीरामकृष्ण मंगलकारी, श्रीरामकृष्ण मंगलकारी, भवदुःखहारी, नमो नारायण भवदुःखहारी, नमो नारायण भवदुःखहारी।